हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMT यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, दिस इज अ लेक्चर फॉर BBA फाइनल ईयर एंड द सब्जेक्ट नेम इज GST, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो स्टूडेंट्स, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इन आवर लेक्चर नंबर 1 दैट व्हाट इज GST, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रेट स्ट्रक्चर ऑफ GST। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल टॉपिक। यहाँ पर हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर कि GST का रेट स्ट्रक्चर, रेट सिस्टम या स्लैब सिस्टम क्या बना हुआ है। स्लैब सिस्टम मीन्स कि किस तरीके से हम रेट ऑफ टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, GST हैज बीन स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट एसेंशियल सर्विसेज एंड फूड आइटम्स आर प्लेस्ड इन द लोअर टैक्स ब्रैकेट। जो जीएसटी का स्ट्रक्चर सर बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है कि जो नॉर्मल एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, फूड आइटम्स हैं, उन सबको लोअर टैक्स रेट सिस्टम में रखा गया है, और जो लग्जरी प्रोडक्ट्स या गुड्स हैं उनको हायर टैक्स रेट सिस्टम में रखा गया। GST Council has settled over 1300 goods and 500 services under 4 tax layer. तो GST Council ने GST system में क्या कर रखा है, 1300 goods के करीब और 500 services के करीब ऐसी goods and services हैं जिनको 4 different tax rates slab system में divide किया हुआ है। तो GST का जो slab system या rate structure है वो basically divided into 4 parts. तो 4 parts में से divide किया गया है, और वो 4 parts कौन से हैं, किस किस तरीके से कुछ items ऐसी goods and services होंगे जिन पे 5% GST लग रहा होगा, कुछ goods and services ऐसी होंगी जिन पे 12% goods and GST rate लग रहा होगा, कुछ पर 18% लग रहा होगा और कुछ पर 28%। तो जो 4 categories हैं GST rate structure की वो है 5%, 12%, 18% and 28%। इसके अलावा इन 4 categories के अलावा GST ने कुछ special rates भी लगा रखे हैं, जैसे gold पे लगा रखा है, या जैसे it will be captured at the 3% of GST। तो कुछ अलग से special rates भी हैं अदर goods पर जो कि इन 4 slab structure में या slab system में नहीं आ रही है, वो अदर rates में या special rate of GST में आ रही है। जैसे गोल्ड है वो 3% पर आता है। सो टोटल 81% ऑफ ऑल एंड गुड्स एंड सर्विसेज फॉल बिलो इन द 18% टैक्स लेयर। तो टोटल जितने भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज 81% के हिसाब, उसमें से 18% ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि GST टैक्स लेयर में आते हैं। दिस मीन 7% ऑफ द आइटम्स कम्स अंडर एग्जेम्प्टेड लिस्ट, 14% ऑफ आइटम्स अट्रैक्टेड 5% टैक्स, 17% ऐसे आइटम्स हैं जो 12% टैक्स में आ रहे हैं, 43% ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की आइटम्स हैं जो 18% टैक्स लैब में आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 19% आइटम्स फॉल अंडर द अदर कैटेगरी, दैट इज द लास्ट 28% हाईएस्ट टैक्स रेट कैटेगरी। तो ये परसेंटेज दे रखा है गुड्स एंड सर्विसेज का कि किस किस कैटेगरी में कितना परसेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्लासीफाई किया हुआ है। अब इसके बाद नीचे लिस्ट दे रखी है रिस्पेक्टिव स्लैब सिस्टम की, जो अभी हमने ऊपर स्लैब सिस्टम पढ़ा है उसी की लिस्ट दे रखी है। तो जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर 4 स्लैब सिस्टम्स में डिवाइडेड है, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो ये उसी की आगे लिस्ट दे रखी है जिसे हमें अभी डिटेल में पढ़ना है, जिसके अंदर दे रखा है कि जो जीएसटी है एग्जेम्प्टेड जीएसटी कौन है, मतलब ऐसे कौन से गुड्स एंड सर्विसेज है जिसके ऊपर कैसे भी कोई भी टैक्स नहीं लग रहा, नो टैक्स, जिनके ऊपर जीएसटी कोई टैक्स लग ही नहीं रहा। वो ऐसे 7% गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो नो टैक्स की कैटेगरी में आते हैं। कितने गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा, 7% गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे कि कुछ लग जो हमारी डेली कंजम्पशन की चीजें हैं वो मोस्टली सारी इसमें आती हैं, उनके ऊपर नो टैक्स की कैटेगरी में आती हैं वो, जैसे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, बटर मिल्क, कर्ड, नेचुरल हनी, फ्लोर, बेसन, ब्रेड, ऑल काइंड्स ऑफ सॉल्ट, जैगरी गुड़ जिसको हम बोलते हैं, सीरियल ग्रेन्स, फ्रेश मीट, फिश, चिकन, एग्स, अलॉन्ग विद बिंदी, सिंदूर, काजल, बैंगल्स, ड्रॉइंग एंड कलरिंग बुक्स हो गई, स्टैम्प्स हो गए, जुडिशियल पेपर्स हो गए, प्रिंटेड बुक्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए, जूट एंड हैंडलूम्स भी इसके अंदर आता है, होटल्स एंड लॉजेस विद टैरिफ वैल्यू, टैरिफ बिलो इंडियन रूपी 1000 एंड सो ऑन। तो हम वो कैटेगरी पढ़ रहे हैं जिसके अंदर किसी भी तरीके से कोई भी टैक्स नहीं लगता, तो उस कैटेगरी के अंदर हमारे रेगुलर कंजम्पशन वाले सारे के सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन है। इसके बाद हमारी कैटेगरी आती है 5% जीएसटी रेट्स,
स्टेप में क्या क्या आता है। इसके अंदर टोटल 40% गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, जैसे कि अपैरल्स होते हैं जो बिलो इंडियन रूपी 1000 है, या फुटवेयर है बिलो इंडियन रूपी 500, वो इसके अंदर आएगा। इसके अलावा इसमें पैकेज फूड आइटम्स आएंगी, आपका क्रीम स्किम्ड मिल्क पाउडर आएगा, ब्रांडेड पनीर आएगा, फ्रोजन वेजिटेबल्स आएंगे, कॉफी आएगी, टी स्पाइसेस, पिज्जा ब्रेड, रस हो गए, साबूदाना, कैशनट नट, कैशनट इन शेल, रेजिन हो गया, आइस हो गया, फिश फिलेट हो गया, कैरोसिन हो गया, कोल हो गया, मेडिसिन हो गया, अगरबत्ती हो गया, जैसे हम इंसेंस स्टिक्स भी बोलते हैं, पोस्टेज और रेवेन्यू स्टम्प्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए जितने भी हैं, रेल एंड इकोनॉमी क्लास एयर टिकट्स हो गया, स्मॉल रेस्टोरेंट्स एंड सो ऑन। और इसके अलावा भी जो इसके डेटेड होंगे वो सारे के सारे हमारे फर्स्ट रेट स्टार जीएसटी रेट स्टार रहेंगे, डेट इज 5% रेट स्टार। तो 5% में टोटल 40% ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसके ऊपर 5% जीएसटी लगाया जाता है। सो दिस इज द एग्जाम्पल्स अंडर रेट। अब आता है 12% जीएसटी रेट स्टार। अब 12% जीएसटी रेट स्टार में क्या क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर आते हैं एनिमल्स लाइक फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स, बटर, चीज, घी, ड्राई फ्रूट्स इन पैकेज फॉर्म, एनिमल फैट, सॉसेस, फ्रूट जूसेस, नमकीन, केचप्स एंड अदर सॉसेस, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ऑल डायग्नोस्टिक किट्स एंड रिजेंट्स, सेल फोन्स हो गए, स्पून्स हो गए, फोक हो गए, टूथ पाउडर हो गया, ब्रेडा हो गया, स्विंग मशीन हो गया, कपड़े सिलने की जो मशीन है, स्पेक्टिकल्स हो गए, इंडोर गेम्स जैसे कि कार्ड्स जो हम खेलते हैं, चेस बोर्ड, कैरम बोर्ड, लूडो, इसके अलावा पैरल्स हो गए अबव इंडियन रूपी 1000, या फिर नॉन ए सी रेस्टोरेंट्स जो है वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, बिजनेस क्लास एयर टिकट्स हो गई, स्टेट रन लॉटरी जो स्टेट में लॉटरी वगैरह का रहता है वो भी इसमें आता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सो ऑन अट्रैक्ट आर 12% जीएसटी। तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स के यहाँ पे कुछ सर्विसेज गुड्स के नाम लिए गए हैं वो सारे के सारे 12% जीएसटी रेट स्ट्रक्चर में आते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर कितने परसेंट गुड्स एंड सर्विसेज हैं, 17% ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो 12% जीएसटी रेट स्लैब में आते हैं। इसके बाद आता है हमारा जीएसटी का नेक्स्ट रेट स्लैब, दैट इज 18% जीएसटी रेट स्लैब। 18% जीएसटी रेट स्लैब में कितने परसेंट गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनके ऊपर 18% के हिसाब से जीएसटी पे किया जाता है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज वो है 43%। इसमें किस किस तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, जैसे पास्ता हो गया, बिस्किट्स हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गई, केक्स हो गए, प्रिजर्व वेजिटेबल्स हो गए, जैम्स हो गए, सूप, आइसक्रीम, मेयोनीज, मिक्स कॉन्डिमेंट्स, सीजनिंग्स, मिनरल वाटर, फुटवेयर मोर देन इंडियन रूपीज 500, कैमरा, स्पीकर्स, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स, ऑप्टिकल टिश्यूज, ऑप्टिकल फाइबर, टिश्यूज, नोटबुक्स, स्टील प्रोडक्ट्स, हेडगियर एंड इट्स पार्ट्स, एल्यूमिनियम फॉइल, बैम्बू फर्नीचर, एसी रेस्टोरेंट्स That serve liquor. तो रेस्टोरेंट कौन से ए सी वाले और उनके अंदर अगर लिकर भी सर्व हो रहा है, देन आई टी सर्विसेज, ब्रांडेड गार्मेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सो ऑन। तो ऐसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो 18% जीएसटी स्लैब सिस्टम के अंदर आते हैं। तो ये उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मेंशन है जो आपको नोट्स में समझनी चाहिए। इसके बाद आता है 28% जीएसटी रेट स्लैब। अब 28% जीएसटी रेट स्लैब को हाईएस्ट जीएसटी रेट स्लैब बोला जाता है। इसके अंदर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का 19% ऐसा है जो 28% जीएसटी रेट स्लैब में आता है। इसके अंदर आता क्या क्या है, जैसे च्युइंगम हो गया, बीडी, मोलासेस, चॉकलेट नॉन कंटेनिंग कोकोआ, वेफर्स एंड वेफर्स कोटेड विद चॉकलेट, पान मसाला, एरेटेड वाटर, पर्सनल केयर आइटम्स जैसे कि डिओड्रेंट्स हो गया, शेविंग क्रीम्स हो गया, आफ्टर शेव हो गया, हेयर शैम्पू हो गया, डाइट हो गया, सनस्क्रीन हो गया, इसके अलावा पेंट है, वाटर हीटर है, डिश वॉशर है, वेइंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है, वैक्यूम क्लीनर्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, फाइव स्टार होटल स्टेज है, रेस क्लब है, रेस क्लब बैटिंग है,
private lottery and movie tickets above Indian rupee 100 etc. have been clubbed together under the 28% GST slab. So GST slab system के अंदर ये सारी items आए हैं. तो GST 28% GST slab system के अंदर goods and services, 19% goods and services ऐसी हैं जिनके ऊपर 28% के हिसाब से GST pay किया जाता है. इसके अलावा कुछ और आइटम्स हैं जो कि कॉस्टलियर हैं जिनके ऊपर ये ऊपर जितने भी हमने स्लैब सिस्टम के रेट्स पढ़े हैं 5% 12% 18% 28% इनके हिसाब से उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता. तो वो कौन कौन सी है बेसिकली सॉरी कोरियर सर्विस, मोबाइल फोन टैरिफ्स, आपका मोबाइल बिल्स, ट्यूशन फीस, सैलून विजिट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, बैंकिंग चार्जेस, ब्रॉडबैंड सर्विसेज विल गेट कॉस्टलियर बाय 3%. तो ये 3% और कॉस्टलियर हो जाते हैं. तो इनके ऊपर टोटल कितना 15% सर्विस टैक्स लग सकता था, अब इनके ऊपर कितना हो गया 18%. 3% और इंक्रीज कर दिया गया. देन टैक्सेज ऑन एरेटेड ड्रिंक्स, टोबैको एंड लग्जरी गुड्स विल नाउ कम अंडर 28% टैक्स ब्रैकेट. और अब एरेटेड ड्रिंक्स हो गई, टोबैको हो गया या अदर लग्जरी गुड्स हैं वो भी अब 28% टैक्स ब्रैकेट में आ गए जीएसटी के. तो ये भी कॉस्टलियर हो गए. रियल एस्टेट जो है वो भी अब पहले से ज्यादा कॉस्टलियर हो गया है क्योंकि उस पर जीएसटी 12% लग रहा है और पहले 6% होता था. तो ये कुछ अदर स्पेशल कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर जो हमारी 4 कैटेगरीज का जीएसटी टैक्स लग सिस्टम है उनसे अलावा इनके ऊपर उनसे ज्यादा टैक्स लगता है. तो ये कॉस्टलियर होते हैं. तो इसके अंदर हमने जीएसटी का स्ट्रक्चर अंडर जीएसटी पढ़ा, रेट स्ट्रक्चर अंडर जीएसटी पढ़ा, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जीएसटी इज ऑफ जीएसटी का जो रेट स्ट्रक्चर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट इज कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है, डेट इज आपका एक तो नो टैक्स हो गया जिसके ऊपर हमें कोई टैक्स नहीं देना है. इसके अलावा कौन से पार्ट्स हैं, एक पार्ट है जिसके ऊपर हम 5% के हिसाब से जीएसटी पे कर रहे हैं, एक पार्ट है जिसके ऊपर हम 12% के हिसाब से जीएसटी पे करेंगे, 18% एंड 28%. तो 4 बेसिक जो रेट स्ट्रक्चर है जीएसटी के, डेट इज 5%, 12%, 18% एंड 28%. तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है जीएसटी रेट स्ट्रक्चर, और आपको पता भी होना चाहिए. आप इनमें से इतने सारे गुड्स एंड सर्विसेज के मैंने अभी नाम लिए हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट रेट स्ट्रक्चर, तो ये मोस्टली आप सबने भी यूज किए हैं, कंज्यूम किए हैं. तो आप देखिए उस पर ये सब हम जीएसटी पे कर रहे हैं ऊपर. सो और दिस इज द रेट स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी. मैं पर फिर से आपको बता दूं हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि टैक्स दो टाइप का है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट हम पढ़ चुके हैं फिफ्थ सेमेस्टर में इनकम टैक्स. अब हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं. इनडायरेक्ट टैक्स हम कमोडिटीज के ऊपर जो पे सामान खरीद रहे हैं और उसी हम टैक्स भी पे कर देते हैं, जिसको अलग से हमें पता ही नहीं चलता कि हम टैक्स पे कर रहे हैं. सो दैट कम्स अंडर इनडायरेक्ट टैक्स. तो इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. अब जीएसटी क्योंकि लागू है इंडिया में 1 जुलाई 2017 से, तो उसमें भी जीएसटी का जो रेट स्ट्रक्चर होगा, क्या रेट स्ट्रक्चर है, किस हिसाब से हम किस कमोडिटी या गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना परसेंट जीएसटी लेंगे, ये चीज आज हमने अपने इस लेक्चर में क्लियर की है. इसके अंदर हमने इसीलिए टॉपिक पढ़ा है आज रेट स्ट्रक्चर अंडर जीएसटी. तो जीएसटी के अंदर रेट स्ट्रक्चर क्या है ये हमने आज इसमें पढ़ा है. तो रेट स्ट्रक्चर क्या है ये आपको मैंने बता दिया, आप इसको प्रॉपरली डायग्राम तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट कीजिएगा कि द स्ट्रक्चर द रेट स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. 4 की जगह 5 पार्ट्स भी लिख सकते हैं. एक तो नो टैक्स, अगर आप उसे काउंट करेंगे तो 5 पार्ट्स हो जाएंगे. एक तो लिखेंगे नो टैक्स, दूसरा है 5% कैटेगरी जो हमारा है उसमें, फिर 12%, फिर 18% एंड फिर 28%. और उस डायग्राम में आप उसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि किस परसेंट में कितने परसेंट गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं. जैसे नो टैक्स जिसके ऊपर जीएसटी नहीं दिया जा रहा उसके अंदर 7% गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं. आप ये उस डायग्राम में नीचे मेंशन कर सकते हैं. उसके अलावा 5% जो जीएसटी का रेट स्लैब है उसके अंदर कितने परसेंट गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, इस कैटेगरी में 14% गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, ये आप मेंशन कर सकते हैं. ऐसे ही आप 12% जीएसटी रेट स्लैब के नीचे मेंशन कर सकते हैं, उसके अंदर 17% ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं. फिर 18% जीएसटी स्लैब के अंदर कितने परसेंट गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, 43% गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं. इसी तरीके से आप 28% गुड्स एंड रेट ऑफ जीएसटी में भी मेंशन कर सकते हैं डायग्राम में नीचे कि 19% ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे हैं
जो इसके अंदर आते हैं. मीन्स आप फोर अलग अलग बनाए, 5% आप फाइव एरोज बनाए डायग्राम में. ऊपर लिखे जीएसटी रेट स्ट्रक्चर, उसमें पहले वाले ब्लॉक में लिखे जीएसटी नो टैक्स, दूसरे में लिखे 5%, फिर 12%, फिर 18%, फिर 28%. जो नो टैक्स है उसके नीचे एरो लगा के लिखे कि इसके अंदर 7% गुड्स एंड सर्विसेज कैटेगरी. इसके बाद 5% में लिखे कि कितनी गुड्स एंड कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ रहा है, 5% में वो लिख दें. 5% के अंदर आ रहा है 14% गुड्स एंड सर्विसेज. फिर 12% में लिखे, 12% में आ रहा है 17% गुड्स एंड सर्विसेज. तो नीचे ब्रैकेट में लिख दें इंक्लूड 17% गुड्स एंड सर्विसेज. ऐसे आप 18% में लिखने दीजिए, ब्रैकेट में इंक्लूड 43% ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और ऐसे ही आप 28% में लिखने नीचे ब्रैकेट में इंक्लूड 19% ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो इस तरीके से आपका डायग्राम भी बन जाएगा. उस डायग्राम के थ्रू आप एग्जाम में प्रेजेंट करोगे तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे और एग्जाम जो कॉपी चेक कर रहे हैं उन्हें समझ में भी आएगा कि स्टूडेंट ने क्या प्रेजेंट करना या लिखना चाहा है. सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो आप इसको इस तरीके से प्रेजेंट करें. तो ये हमारा आज का स्ट्रक्चर है, रेट स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी. So this is the important topic and interesting one also. So this is all for today and thank you. Have a nice day.